Hello students, I am going to explain you about magnetic effect of electric current. In my last video, I have explained you about heating effect of electric current. Means, electric current का एक application heating effect है और एक दूसरे application पे बात करते हैं, that is magnetic effect of electric current. मतलब electricity यानी electric current magnetic effect generate करता है, यानी किसी conductor में अगर electric current flow हो रहा है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। तो इसी पे हम बात करेंगे। इन 1820 अ साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन अरेस्टेड ऑब्जर्व दैट डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास लीडिंग व्हेन करंट वाज पास थ्रू द वायर ग्राउंड, ठीक है। एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर उसके आसपास एक कंपास नीडिल ले जाते हैं तो वो कंपास नीडिल डिफ्लेक्शन शो करने लगता है। कंपास नीडल क्या होता है, बेसिकली एक छोटी सी नीडल होती है, वो बेसिकली क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड बताता है। जहाँ पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर आप उस नीडल को ले जाते हैं, छोटी सी नीडल होती है, फिजिक्स लैबोरेटरी में आपको मिलेगी देखने को, जैसे ही आप उस फील्ड के अंदर उस नीडल को ले जाएंगे, उसकी जो अंदर की जो सुई होगी वो घूम जाएगी, यानी ये बताएगी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। या किसी चुंबक के पास अगर उसको ले जाते हैं तो मैग्नेट के पास, तो वो नीडल डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा, मीन्स उस मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड को के प्रेजेंस को बताने के लिए मैग्नेटिक नीडल या कंपास नीडल यूज करते हैं। तो आरएसए ने देखा कि जब किसी कंडक्टर जिसमें या किसी वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके आसपास कंपास नीडल ले जाते हैं तो वो कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करने लगता है, मीन्स उस वायर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई यानी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है, वो मैग्नेटिक नीडल कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करती। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट के वजह से ही डिफ्लेक्शन हो रहा था, और इलेक्ट्रिक करंट से डिफ्लेक्शन होने का वजह क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था। मतलब इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। तो उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ पॉइंट दिए, यहाँ पे हम उसपे बात करेंगे। ही कंक्लूड दैट द फर्स्ट पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर में, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो वायर मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगेगा, वो वायर मैग्नेट की तरह से काम करने लगेगा, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्लियर। नाउ द सेकेंड कंक्लूजन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट के बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट हम बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होने लगेगा, यानी जो मैग्नेटिक नीडल है वो उतना तेज डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। पहले धीरे धीरे घूमता था, अब जैसे ही हमने करंट बढ़ाया वो और तेजी से मूव करने लगेगा और तेजी से डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक करेंट। नाउ द थर्ड कंक्लूजन इज द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है यानी उस करंट की वजह से जो इंड्यूस्ड, यानी इंड्यूस्ड का मतलब जो बाय फोर्सली जो अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है जिसको हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, क्योंकि वो अपने आप नहीं हो रहा, वो इलेक्ट्रिक करंट के कारण हो रहा है, इसलिए हम उसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट के, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तीन कंक्लूजन आरएसटी ने अपने एक्सपेरिमेंट में दिया था, ठीक है। तो इसको हम, इस एक्सपेरिमेंट को हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। एक छोटा सा डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, यहाँ पे देखिए, एक इंसुलेटिंग मटेरियल पर, जैसे जैसे आप
लकड़ी के ऊपर या फिर धरती के ऊपर एक ऐसे क्वाइल आपने लपेट लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एक क्वाइल है, क्वाइल के अंदर एक मैग्नेटिक मीटर लगा दिया गया, इसके अंदर इसके ऊपर रख करके उसके ऊपर से क्वाइल बना दिया गया, मतलब इसके ऊपर एक मैग्नेटिक नीडल है, कंपास रखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम इसको बैट सेल से जोड़ते हैं, ठीक, जैसे ही इसको सेल से जोड़ते हैं, सेल से जोड़ने पे क्या होगा, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, बल्ब ग्लो करने लगता है, बल्ब जलने लगता है, और वैसे ही इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होने लगता है, मतलब बल्ब का चलना ये बताता है कि इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक मीडियल में डिफ्लेक्शन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या देख सकते हैं, टू शो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इंट्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये समझिए आप कि जैसे आप बैटरी से जोड़ेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, बल्ब जलने लगेगा, तो ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से जो मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को यूज करके, ठीक है, इस एप्लीकेशन को यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए जाते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का बहुत सारा यूज है, जैसे इलेक्ट्रिक बेल जो होता है, इलेक्ट्रिक फैंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इन सब में बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। इसी तरह से परमानेंट मैग्नेट बनाने में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, ओके। साथ ही साथ जो आयरन के ओर्स होते हैं, उसमें से आयरन को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, आयरन को अलग करने के लिए, ठीक है, आयरन को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। आई बात समझ में, आयरन के ओर से आयरन को निकालने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है। अभी हमने आपको बताया कि परमानेंट मैग्नेट को बनाने में भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज है, ठीक है। और परमानेंट मैग्नेट बहुत सारे खिलौने बनाने में, मैग्नेटिक स्टिकर्स बनाने में, मैग्नेटिक क्वायल बनाने में, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि कंपास नीडल बनाने में भी परमानेंट मैग्नेट का यूज होता है। परमानेंट मैग्नेट भी इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही बनाए जाते हैं, और बेसिकली इस इफेक्ट के कारण ही वो पॉसिबल होता है, ठीक है। मेडिकल फील्ड में बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बहुत सारे यूज हैं, और वो सारे यूज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट के थ्रू आए, ठीक है। तो हायर क्लासेस में हम और अच्छे से स्टडी करेंगे आपको। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक बेल पढ़ना है, इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग पढ़नी है, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। इसमें बस इतना ही, ओके, थैंक यू।